नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में तो आज मैं कोई भी करंट अफेयर सेशन नहीं बनाया हूं मैंने मतलब मैं एक कॉन्स्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं आज क्योंकि न्यूज में कुछ खास चल नहीं रहा है तो सोचा कुछ आपका स्टैटिक पोर्सन भी कवर करने की कोशिश करूं हालांकि करंट अफेयर में भी स्टैटिक प्रोसेस कवर हो जाते हैं लेकिन मैंने इस पर सोचा पर्टिकुलर वीडियो बनाने का क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक क्या है टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जी हां साथियों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इस टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनना बहुत ही ज्यादा क्या था आवश्यक था इसलिए आज सारी कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में कि क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ए बी सी डी इसके हर एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए इस एक्ट के रिगार्डिंग वो सभी चीज़ें मैं कवर करूंगा आप वीडियोस जब देखोगे तब आपको ये बात खुद रियलाइज़ होगा कि मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा है इस वीडियो के अंदर में तो इस एफर्ट के लिए मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की स्टेट पीसीएस एसएससी, बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है तो उनका स्वागत है तो आशा करता हूं आपने ये सब चीजें कर दी होगी एक मिनट मुझे बस फोन को साइलेंट कर लेने दीजिए वरना ये कॉल आएंगे बीच में तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा चलिए तो आइए जानते हैं आपके साथ क्या क्या मुद्दा चल रहा है और क्या क्या है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 तो जीएस पेपर थ्री से इंपॉर्टेंट रहेगा एग्रीकल्चर इसे जीएस पेपर टू से भी आप इंपॉर्टेंट ले सकते हो ये इससे गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन या फिर ले सकते हो जीएस पेपर थ्री इकोनॉमी का भी पार्ट क्योंकि ये एटलीस्ट टू और पेपर थ्री को दोनों को क्या करता है कवर करता है इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को कब पास किया गया 5 जुलाई 2013 को ठीक है पास क्यों किया गया पहला सवाल ताकि जो फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है उसको वेलफेयर बेस से हटा के हम बेस्ड ऑन राइट का अप्रोच बना सकें अब आप पूछोगे सर ये बताओ बेस्ड ऑन राइट का अप्रोच क्यों बनाना भाई मैं बताता हूँ इसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ पे गूगल पे ओके तो यहां पे हम लोग गूगल पे आते हैं आप देख सकते हो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया के द्वारा यह मेंशन किया गया है कि देर इज अ राइट टू फूड जहां पे लिखा है राइट टू फूड इज इनहेरिटेंट टू अ लाइफ विद डिग्निटी और आर्टिकल 21 क्या बोलता है हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में बोलता है इसलिए इसको क्या किया गया साथियों इसे वेलफेयर एक मिनट ओके वेलफेयर बेस से हटा के कल्याणिक बेस से हटा के बता समाज का कल्याण करना ये कल्याण बेस्ड को हटाकर राइट बेस में डाला गया ताकि ये आपका अधिकार हो आपके साथ अगर इसके खिलाफ जुर्म हो तो आप क्या कर सको आवाज उठा सको इसलिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बिल्कुल डिटेल में चीजें कराऊंगा और आप ये खुद फर्क महसूस करना ना, दूसरे के कंपेरिजन में कि मैं कितनी चीजों को डिटेल में कराता हूं यहाँ पे व्यूज कमाने के लिए मैं नहीं बैठा अभी मेरी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुई है फ्री में आपको कंटेंट देता हूँ फ्री में पढ़ाता हूं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हाँ कि मैं इतने बच्चों को ही यहाँ पे ये पढ़ाऊंगा फिर कहीं पर और पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं करता पूरा ओपनली कंटेंट देता हूँ आपको और वो सारा चीज़ बताता हूं ताकि आप चीजों को पहले पढ़ लो ताकि आप जब आंसर राइटिंग करने बैठो मेंस का तो चीजों की कमी ना रहे और आप उसको अच्छे से फ्रेम कर पाओ ठीक है तो इसलिए इसे पास किया गया ये कवर करता है साथियों एटलीस्ट अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 75 परसेंट सॉरी रूरल पॉपुलेशन की और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 50 परसेंट को ये कवर करता है इसलिए कवर करता है ताकि उनको फूड ग्रेन के ऊपर में सब्सिडाइज मिल सके सब्सिडीज मिल सके अब फूड ग्रेन के ऊपर सब्सिडी मिलने का मतलब क्या है फूड ग्रेन के ऊपर में सब्सिडी मिलने का मतलब है जो अनाज है वो लोगों तक सस्ता पहुंचना और जब सस्ते अनाज पहुंचेंगे तभी तो वो कंज्यूम कर पाएंगे अगर मान के चलो कल को बोले चावल हो गया पांच सौ रुपए किलो तो कैसे कंजम्पशन होगा चावल का लोग बिना चावल के रह नहीं पाएंगे भूखे मर सकते हैं तमाम तरह की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए सरकार ने क्या किया सरकार ने इसे राइट टू पहले फूड के अंदर में डाला और दूसरा काम क्या किया इसके ऊपर में सब्सिडीज देना चालू किया ताकि जो अनाज है वो सस्ता पहुंचे लोगों तक अब ये किसके माध्यम से पहुंचेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जी हाँ साथियों में रहता है, प्रिलिम्स के अंदर में भी में आ है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो है सब्सिडीज के माध्यम से अनाज का वितरण करवाती है उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं जब आपके पास राशन कार्ड बनता है जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का वन नेशन वन राशन कार्ड उसके अंदर ही वो राशन कार्ड लेके कहा जाते हैं लोग पीडीएस सिस्टम में जाते हैं और सस्ते अनाज खरीद के घर लेकर आते हैं तो लगभग टू थर्ड पॉपुलेशन भारत का इसके अंदर में कवर होता है इसलिए ये एक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने में हैवी सब्सिडीज मिलता है फूड ग्रेन्स के ऊपर में और साथ ही साथ हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर में इसे लागू कर दिया गया है इसके कौन है? इसके बेनिफिशरीज दो हैं पहला तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर्स और दूसरा अंतोदय कैटेगरीज है वही इसके क्या है प्राइमरा क्या है बेनिफिशरीज हैं इसके अंदर में सरकार क्या करती है लगभग थर्टी फाइव के जी तक अनाज देती है और अगर हम पर पर्सन की बात करें तो पांच के जी तक यानी हर महीना थर्टी फाइव के जी तक लिमिटेड है अनाज देती है हर महीना हर परिवार को लेकिन अगर हम पर पर्सन की बात करें कि अगर पर्सन वाइज कितना अनाज देती है तो ये देती है पांच के जी अगर घर में दो पर्सन है तो दस के जी इस तरह लेकिन लिमिटेड कितना साथियों थर्टी फाइव के जी तक लिमिट है और ये हर महीने देती है सरकार अगर हम कॉस्ट की बात करें कि पी सिस्टम के ऊपर में कितने अमाउंट तक का अनाज मिलता है किस दाम पे मिलता है जो लोग जाते हैं वहां पे तो यहाँ पे साथियों पीडीएस सिस्टम के अंदर में अगर हम गेहूं की बात करें तो दो रुपए के जी राइस की बात करें तीन रुपया के जी और अगर ग्रेन्स की बात करें जैसे ज्वार हो गया बाजरा हो गया मेज हो गया रागी हो गया ये सब साथियों एक रुपया के जी ही मिलता है जब रिसेंटली यूनियन बजट आया था 2022 का फरवरी के अंदर में तो उसमें कोई भी इस तरह का चेंजेस नहीं किया गया कि हाँ प्राइसेस के अंदर में जो प्राइसेस था वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहा और इसी प्राइस पे अभी भी अनाज वितरण किया जा रहा है क्या चीजें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया क्यों लागू किया गया क्योंकि वेलफेयर बेस्ड जो अप्रोच था उसको बदल के राइट टू फूड इसका कॉन्सेप्ट लाया गया और एक तिहाई से भी ज्यादा पॉपुलेशन को यह कवर करता है और इसके माध्यम से सरकार क्या करती है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से सब्सिडीज देती है फूड ग्रेन के ऊपर में जिसका फायदा दो टेगरीज के अंदर में मिलता है एक तो प्रायरिटी हाउस होल्ड के अंदर में और एक अंतोदया अन्योजना के अंदर में लगभग थर्टी फाइव के जी तक हर मंथ अनाज देती है आ, सरकार परिवारों को और अगर हम पर्सन वाइज बात करें तो पांच के जी हर एक व्यक्ति को मिलता है क्या चीजें क्लियर हो रही है यहाँ तक अगर हो रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो रहा है दाम भी मैंने बता दिया कि किस रेट पे मिलता है पर के ताकि आपको ये चीज दिमाग में फ्रेम हो सके कि अनाज कितना सस्ता मिल रहा है लोगों को दूसरी बात इस एक्ट को और क्यों लाया गया इसलिए लाया गया क्योंकि हमारा क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोलता है जीरो हंगर यानी हम क्या करना चाहते हैं भुखमरी को खत्म करना चाहते हैं अपने देश के अंदर में अगर हम चाहते हैं कि भुखमरी जल्द से जल्द खत्म हो तो इसके लिए हमें क्या करना होता अभी से पॉलिसीज बनाने होंगे अभी से नीति निर्माण बनाना होगा अभी से उन पर काम करना होगा ताकि 2030 तक जो हम लोग ने दावा किया है क्या के ऊपर में कि हम जीरो हंगर लेके आएंगे भारत के अंदर में वो कहीं ना कहीं अचीव हो सके इसका अल्टीमेट एम क्या है इसका अल्टीमेट एम है कि हर व्यक्ति को हर जगह गुड क्वालिटी ऑफ फूड मिल सके ताकि वह क्या जी सके स्वस्थ जीवन जी सके अगर आप स्वस्थ नहीं हो मैं स्वस्थ नहीं हूं तो हम लोग काम कैसे करेंगे पहला सवाल अगर मैं आपको बोलूं कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करो मैं आपको अच्छा सा अच्छा कोचिंग सेंटर दिला दूं, आपको मटेरियल्स दिला दूं, आपको आ, आपको जैसे लेक्चर वीडियोस दे रहा प्रोवाइड कर रहा हूं, वो प्रोवाइड कर दूं, लेकिन ये सब मैं कब कर सकता हूं? जब मैं हेल्दी रहूंगा, या फिर आप हेल्दी रहोगे तभी ना आप पढ़ पाओगे अब आप स्वस्थ ही नहीं हो तो आप पढ़ोगे कैसे आप पूरे दिन बेड पे पड़े हो आपकी तबीयत खराब है इसलिए अगर हम इकोनॉमी को ग्रोथ कराना चाहते हैं इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमें लोगों को स्वस्थ रखना होगा इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टू है उसके बाद ही है तीसरा नंबर गोल वो है राइट टू हेल्थ इसलिए दूसरा गोल को पूरा करेंगे कहीं ना कहीं तो तीसरा गोल अल्टीमेटली पूरा हो जाएगा अगर अच्छा खाना ही देंगे अच्छे क्वालिटी का फूड ही वितरण करेंगे तो हमें अच्छा स्वास्थ्य आपने आप मिल जाएगा तो अगर हम गोल नंबर पे अच्छे से फोकस करते हैं, तो हमें मिड डे मील स्कीम हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया ये सारे इस के अंदर में काम करते हैं और ये पूरा राज्य और केंद्र के अंदर में लागू है अब इस एक्ट के अंदर में साथियों यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप मैं आपको दिखाऊं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में तो आप देख सकते हो कितने सारे अम्ब्रेला स्कीम्स चल रहे हैं आईसीडीएस के अंदर में यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में तो लगभग छह स्कीम्स चल रहे हैं तो ये छे स्कीम्स को आप जाके यहाँ पे भी साइट्स के अंदर में भी पढ़ सकते हो जो आपका गवर्नमेंट का साइट अपना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में और बाकी मैंने कुछ कुछ तो करा ही रखा है तो जैसे आपका पोषण माह मैंने करा रखा है मैंने पीएम श्री योजना करा रखा है उसके बाद पोषण शक्ति निर्माण योजना कर, र, करा रखा है तो ये सब मैंने योजना पहले से करा रखी है अगर आपको पढ़ना है तो आप बस टाइप करो यूट्यूब के ऊपर में बाय मेंस बाबा लिख दीजिए या बाय हर्ष कुमार लिख दीजिए तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो हमको यहाँ पे क्या क्या डेटा देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो कि कितने इसके बेनिफिशरीज हैं सेंट्रल में स्टेट में और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया जा रहा है सबसे एक uh, 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 तरह का सब्सिडीज आपका किसके अंदर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में तो फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी अल्टीमेटली क्या मिलता है फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी सॉरी अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी स्टेबिलिटी और यूटिलाइजेशन लोगों के पास अनाज अवेलेबल हो अनाज अवेलेबल है तो उसका क्या हो कंप्लीटली एक्सेस हो या ऐसा ना हो कि खेतों के बीच में खेतों में अनाज है अवेलेबल है लेकिन लोगों तक तो उसका एक्सेस नहीं मिल रहा है तो अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी और स्टेबिलिटी लगातार मिलता रहना चाहिए यह नहीं कि एक महीना अनाज मिला दूसरे महीना अनाज ना मिले तीसरा महीना अनाज मिला चौथे महीना अनाज ना मिले तो एवेबिलिटी हो एक्सेसिबिलिटी हो और क्या हो स्टेबिलिटी हो और यूटिलाइजेशन भी हो यानी जिसको दिया जाए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो और इसमें एक और पॉइंट लिख दीजिएगा मैंने अपने से जोड़ा है इसका है आपका क्वालिटी क्वालिटी भी हो सस्ते अनाज देने का यह मतलब नहीं है कि, कि किसी भी क्वालिटी का अनाज दे दें लोग हैं जानवर नहीं है जानवर को भी क्यों देना भाई ऐसे क्वालिटी का ना चलो कुछ होता है कि आपका अनाज अच्छा नहीं रहता तो मानता हूँ बहुत सारे लोग जानवर को दे देते हो वो अलग फैक्टर है लेकिन इंसान को आप अच्छे अनाज ही दे सकते हो तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एवेलेबिलिटी हो एक्सेसिबिलिटी हो क्वालिटी हो स्टेबिलिटी हो और यूटिलाइजेशन ये पांच पॉइंट याद रखिएगा फूड सिक्योरिटी के अंदर में और मेन्स के कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है मेन सेंसर राइटिंग कुछ नहीं है भाई यही है मेन सेंसर राइटिंग जो कंटेंट दे रहा हूं ना सामने यही है मेन सेंसर राइटिंग अब इससे ज्यादा क्या करूं व्हाइट बोर्ड खोल के समझा नहीं रहा कंटेंट सामने है पॉज करके आप लिख सकते हो नहीं लिखना चाहो आप वीडियो अपलोड रहेगी बार बार आके देख सकते हो तो आपका रिविजन भी होगा चीजें याद भी होंगी आपको जल्दी इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें ओके उसके बाद फीचर्स फीचर्स तो हम लोग ने कर ही दिया है आपके साथियों कि कवरेज दे रहा है फूड सब्सिडीज दे रहा है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करता है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है ग्रीवेंस रेडिसल मैकनिज्म है अगर कोई भी ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इसके ऊपर में गलत काम करता है तो क्या होता है उसके ऊपर में पेनाल्टी भी लग सकती है अब मैंने ये टॉपिक क्यों करा ये तो मैं अंत में बताऊंगा लेकिन आपको ये सब चीज़ें भी मैं बता देना चाहता हूँ कि रिसेंटली अगर फूड सिक्योरिटी के मामले में कौन सारे स्टेट अच्छा कर रहे हैं तो टॉप थ्री स्टेट्स कौन कौन से हैं उड़ीसा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश ये पोषण माह के अंदर ही मैंने बताया था लेकिन सोचा इसमें भी कवर कर दूं दूसरा दिल्ली छत्तीसगढ़ और गोवा ये तीन राज्य हैं साथियों जो बॉटम से मतलब इनकी स्थिति खराब है फूड सिक्योरिटी के अंदर में और इनकी उप अच्छी है फूड सिक्योरिटी के अंदर में तो ये डाउन में है और ये क्या है अप में है अब इस टॉपिक को कराने का सबसे मेन एजेंडा इसलिए क्योंकि 2021 के मेंस के एग्जाम में एग्रीकल्चर पार्ट के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द सेलियंट फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और किस तरह फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प करेगा एलिमेट करने में हंगर को और माल न्यूट्रिशन को भारत के अंदर में इसलिए मैंने इस टॉपिक को कराया सबसे इंपॉर्टेंट बात कुछ भी पढ़ा रहा हूं आपको रीजन बेस्ड पढ़ा रहा हूं क्यों पढ़ा रहा हूं व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि आप ही जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें यह आएगा अगर व्यूज़ कमाना रहता ना तो ऐसे ऐसे न्यूज़ पढ़ाता ना कि आपको खूब मज़ा आता इतना मजा आता कि आप मेरे चैनल पे दिन भर बने रहते हैं मेरे तो पूरी रेवेन्यू चालू हो जाती मैं पैसे कमाने लगता लेकिन मेरा अल्टीमेटली गोल है कि मैं पैसे तब कमाऊं मोनेटाइज मेरा चैनल तब हो जब आपको इससे बेनिफिट मिल रहा हो क्योंकि मैं चीज़ों को वही पढ़ाना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछेगा भले लेट से मोनीटाइजेशन हो कोई दिक्कत नहीं है अब ये मोनिटाइजेशन जल्दी कैसे हो ये आपकी आपके ऊपर निर्भर करता है ताकि मैं कल को कैमरा और भी इसका ऊपर सेटअप लेके जाऊं ताकि ही पढ़ाने में मुझे और कंफर्टेबल हो हालांकि अभी मुझे रिकॉर्ड करके पढ़ाना पड़ रहा है फिर मैं लाइव जा सकूं तो ये तमाम तरह की फैसिलिटीज़ मुझे मिल सके इसलिए मैंने ये टॉपिक को कराया नहीं फैसिलिटी मिलने के लिए नहीं कराया इसलिए कराया क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बाकी वो आप डिसाइड करना कि मुझे कितनी जल्दी फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है और चैनल भी किसका है वो आपका चैनल है मेरा चैनल तो है नहीं ठीक है तो ये सब चीज़ें मैंने करा दी कि फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट को कब लागू किया गया क्यों लागू किया गया कितने लोग इसके अंदर में कवर हो रहे हैं बेनिफिशरीज कौन कौन हैं किस रेट पर अनाज मिल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है स्कीम कौन कौन से है और भी तमाम तरह की स्कीम स्कीम करा रखे हैं मैंने इसके अंदर में डेटा दे दिया फूड सिक्योरिटी का आ, बारे में बता दिया फीचर्स बता दिया कम्प्लीटली सब कुछ मैंने करा दिया अब बताओ टू जेड कराया कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताना जरूर याद और मेंस के एग्जाम में यही तो आता है ये जो देख रहे हो अभी आप साइलेंट फीचर्स यही तो मैंने साइलेंट पता, फीचर्स पता, यही तो मैंने पता, यही तो है आपका सीलियन फीचर पूरा यही तो आपको लिखना है कॉपी के अंदर में फूड सिक्योरिटी का डायग्राम ऐसे दिखाना है बना के फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है ये ये तो पूरा रहा डेटा ये तो रहा डेटा इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा आप सो so, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ा रहा आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप पढ़ के ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाए ताकि आप अपने मंजिल के तरफ और मन चाह जॉब पा सको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप तैयारी करते हो कि आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिले तो वो गाइडेंस देने की मैं प्रयास में लगा रहता हूँ इसलिए आशा करता हूँ चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होंगी अगर हो गई हैं तो एक बार वीडियो पे प्यारा सा लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जाके देख सकते हैं तब तक क्लियर रखिए अपना ध्यान मुझे दिया गया धन्यवाद जय हिंद जय भारत